2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में राजनीतिक मंच पे आपको तमाम तरीके के नारे और बयानबाजियां देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया पे कई तरीके के बयान वायरल होते हैं। आज हम बद्रीनाथ जी के साथ में हैं, जिनके स्लोगन जो है यूपी इलेक्शन में हो या अदर स्टेट में हो काफ़ी वायरल होते हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से उनका कौन सा स्लोगन जो है वायरल हुआ था। बद्रीनाथ जी, किस तरीके से आपका स्लोगन लिखते हैं और कौन सा स्लोगन सबसे मशहूर हुआ आपका? सर, इसमें खास बात ये होती है कि जो भी बातें निकाल के ले आई जाती हैं जनता के बीच में, एक बड़े रिसर्च के बाद वो आता है पटल पे। रिसर्च ऐसे, पहले प्राइमरी रिसर्च किया जाता है, प्राइमरी रिसर्च, फिर सेकेंडरी रिसर्च। इसमें करते क्या हैं, पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू उनसे वो करते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद आईडीआई भी करते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यू भी किया जाता है कि क्या समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं उनको आम पब्लिक नहीं बता पाती, लेकिन समस्याओं को मतलब पहली बार में अगर वो व्यक्त करते हैं तो उनके शब्दों को हम लोग पकड़ते हैं, वो वाले शब्द को रखते हैं। फिर उस शब्द की गहराई कितनी है उसको मापने के लिए वहाँ के जो भी सोशल वर्कर होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और सामाजिक चीज़ों में जुड़े हुए लोग रहते हैं, जो लोग बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जो समाज से उनका डायरेक्ट टच होता है, जिनके पास सैकड़ों हजारों लोगों का आना जाना होता है, उनसे उसकी गहराई को समझा जाता है। तो इन डेप्थ इंटरव्यू, फिर उसके बाद हम लोग FGD पे जाते हैं, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं कि समाज की समस्याएँ क्या हैं। उसके बाद ऑल ओवर मतलब उस कैंपेन की एक लाइन दी जाती है। जैसे आपका कोई, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि आपका कोई स्लोगन था खूब वायरल हुआ चर्चाओं में, उस दो चार स्लोगन के बारे में बताइए। जैसे हम लोग यूपी में काम कर रहे थे 2017 विधानसभा चुनाव के पहले, तो उस समय जो कैंपेन था कांग्रेस के लिए था, प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे थे, तो वहाँ पे 27 साल यूपी बदहाल का नारा दिया गया था, क्योंकि 27 साल पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। उसके बाद से जो सरकारें आईं, उन सरकारों के द्वारा किए गए कार्यों से जनता उतनी खुश नहीं है, ऐसा वो बताने की कोशिश उसमें की जा रही थी, तो उसमें वो नारा दिया गया। फिर उसमें बदहाली में क्या क्या चीज़ें हैं, सेकंड स्टेप में गया तो वो था कि मतलब किसानी बर्बाद है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है और MSP नहीं मिल पाता है। तो जब जातिगत समीकरण में आप किसी चुनाव में जाते हैं तो नया प्लेयर जब वहाँ पे एंट्री मारता है तो उस जातियों का हिस्सा तो पहले से बच चुका होता है। जैसे उत्तर प्रदेश के सिनारियों में जब हम लोग 2015-16 की बात करें तो उस समय जैसे मुसलमान और यादव का समीकरण, एक स्लोगन और आया था कि यूपी को साथ पसंद जी जी है, उसके बारे में जी जी पहले ये पूरा कर लेता हूँ तो उस पर आता हूँ मैं। तीसरा स्टेप था वो, तो उस समय जब ये था कि किसी जाति का इनके पास वोट बैंक नहीं है तो इन्होंने क्लास को लिया, कास्ट से क्लास पे एंट्री हुई। तो किसान हर जातियों में होते हैं लोग, तो किसानों को आगे लेने के लिए एक नारा दिया गया था, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, न्यूनतम समर्थन मूल्य से करो इंसाफ। ठीक है, सरकार से मांग जनता के तरफ से और कम्युनिकेट कर रही है वो पार्टी, इसके आगे ये यूपी को यह साफ पसंद है। ये तब आया था जब कांग्रेस अकेले वो कैंपेन को करने के बाद कैंपेन में कुछ पार्टी के तरफ से, कुछ मैनेजमेंट कंपनी के तरफ से डिफरेंस क्रिएट हुए, तो उसमें मतलब ये हुआ कि अब अलायंस में चुनाव लड़ा जाएगा। तो अलायंस के बाद दो पार्टियों के लोग आते हैं, तो दो पार्टियों के दो बड़े लोग सामने आते हैं, तो ये कहा गया कि यूपी को ये साथ पसंद है। वो कंटेम्प्रेरी था, जैसे एक फिल्म में कोई गाना आया था बेबी को ये बेस पसंद है, तो वहाँ पे ये रखा गया कि भैया यूपी को ये साथ पसंद है, ये वाले लोग मिले हैं और इससे यूपी आगे बढ़ेगा। तो आप कम्युनिकेट करने के लिए आप कोई स्टेटमेंट जारी करते हैं या कैंपेन का एक स्लोगन होता है या टैगलाइन होता है, इससे पूरे समस्याओं की एक समरी क्रिएट होती है और उसमें फ्यूचर भी दिखता है। यूपी को ये साथ पसंद है क्योंकि ये आगे ले जाने वाला है, ऐसा हुआ था। पर जो भी हो, आगे नतीजे जनता तय करती है, जनता को कम्युनिकेट करने का एक माध्यम मात्र होता है। कहाँ आपने कैंपेनिंग किया जाकर के ये स्लोगन आपके कहाँ किस किस स्टेट के लिए जो रहे? सर, हम लोगों ने शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के लिए काम किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय चीफ मिनिस्टर बने थे
और फिर उसके बाद हम लोग आंध्र प्रदेश चले गए। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की नवनिर्मित पार्टी थी। पार्टी का जो पार्टी की जो आत्मा थी वो वाईएसआर परिवार के साथ थी और स्ट्रक्चर जो था वो कांग्रेस पार्टी के पास रह गई थी। तो स्ट्रक्चर के साथ फंक्शनिंग को कनेक्ट जो करना था तो उसके लिए भी ढेर सारी चीज़ें हुई। पहले प्रजा संकल्प यात्रा निकाला गया, फिर छोटे छोटे कम्युनिटीज से 10 गांवों की मीटिंग करवाने के बाद कनेक्ट कराया जाता था चीफ मिनिस्टर, मतलब भावी चीफ मिनिस्टर को, तत्कालीन भावी चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी को। एक आखिरी सवाल है, इंटरव्यू लंबा हो रहा था, एक आखिरी सवाल, 2024 का इलेक्शन सामने है तो कुछ स्लोगन नारा आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या आना चाहिए जनता के लिए? देखिए सर, पार्टियों के दिए गए प्रपोजल के हिसाब से ये चीज़ें तय की जाती हैं। हम लोग किसी पार्टी के सदस्य तो होते नहीं हैं, हम लोग वहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स जो राय दे सकता है वो उनको सजेस्ट करता है और ये हमारी ड्यूटी होती है, हम लोग उनको बताते हैं। तो जैसे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के पैरेलली ये चीज़ें होती हैं। मेरे बताने से तो अब यहाँ पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगर मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ के कार्य कर रहा होता हूँ उस समय वो बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, इस पर ये कैसे किया जाएगा। तो पहले रिसर्च किया जाता है, क्या फाइंड आउट कर रही है हमारी टीम, फिर उसके हिसाब से 8-10 चीज़ें सजेस्ट की जाती हैं। जैसे अभी कोई पार्टी मंदिर को लेकर आती है, कोई पार्टी बेरोजगारी को लेकर आती है, कोई पार्टी महिला सशक्तिकरण को लेकर आती है और पार्लियामेंट में मतलब वो बिल भी पास होता है जो बहुत दिनों से पेंडिंग होता है 33% रिजर्वेशन का, तो वो किस आधार पर चुनाव को लड़ना चाहते हैं और क्या रिसर्च पार्टियों को दिखाया जाता है, उस आधार पर पार्टियां और वो कम्युनिकेशन की जो टीम होती है, खास करके इलेक्शन मैनेजमेंट टीम जो होती है, उसके बीच की ये बात होती है। तो हमने इसमें अभी 2024 में हमारा कोई रोल नहीं है क्योंकि हम लोग अपने लोकसभा क्षेत्र में घोसी नवनिर्माण मंच बनाकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही हमारा मेन फोकस है अभी। तो घोसी नवनिर्माण मंच का हमने नारा दिया है 24 साल घोसी बदाल, वो पॉइंट को हमने उठाया। कल्पनाथ राय जी के मृत्यु के बाद से हमारे इलाके में बाहरी और निरंकुश तत्वों का कब्जा हो गया है, तो ये 24 साल हमारे बर्बाद हो चुके हैं। आने वाले 5 साल को बचाना है तो सभी को साथ आना है, सभी जाति सभी धर्म साथ आएंगे तब ये बाहरी को हम लोग बाहर भगाएंगे और यहाँ पे जनता का राज आएगा और जनता फिर एक बार जो चाहती है विकास के मामले में हमारा जिला आगे जाए उस लक्ष्य को प्राप्त करेगी। ये थे हमारे साथ बद्रीनाथ जी, जिन्होंने बताया कि चुनाव में जो रणनीतियाँ बनती हैं और उसकी जो कैंपेनिंग की जाती है, उसका जो स्लोगन बनता है चुनाव में जो आता है उसकी रणनीति कैसे की जाती है, उसके लिए पहले जनता के बीच जाकर के रिसर्च किया जाता है और उन मुद्दों को जो है फाइंड आउट करके जो है फिर स्लोगन तैयार किया जाता है। प्रभा साक्षी के लिए अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।